नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस क्लास नाइन्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम वाला जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र वायरल हुआ है ना, वो उसी वायरल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% दोस्तों यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग जाकर स्कूल में देख लेना, एकदम हूबहू ऐसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 40 करना होगा, ठीक है। और मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव भी लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा और आप आसानी पूर्वक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं किस महासागर को अंद महासागर के नाम से जाना जाता है, किस पुर्तगाली नाविक ने ब्राजील की खोज की थी। ऐसे ही दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन मैं अब आपको बताऊंगा और सबका आंसर भी बताऊंगा। तो अभी आपके सामने केवल आपको क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है लेकिन किसी का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो बाबू इसका आंसर अगर आपको लेना है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका आंसर एक एक करके बताएंगे तो ज़्यादा समय भी लग जाएगा, तो आप मतलब कि एक ही बार पूरा आंसर देख लीजिए। देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा सा लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन और साथ में सब पर आंसर ठीक ऐसे लगाया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने तो लिंक दिया है लेकिन अगर लिंक नहीं मिलेगा तो एक और तरीका बता देता हूँ जो वैसा आप लोग करना, आपके मोबाइल में गूगल होगा, अगर आपके मोबाइल में गूगल होगा तो उसे ओपन कर लीजिए, गूगल के अलावा क्रोम भी होगा तो आप क्रोम भी ओपन कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी होगा आप उसे ओपन कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा ही दोस्तों मैं ओपन करके अभी दिखा देता हूँ, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गूगल ओपन कर लिया, ऐसे ही ओपन करना और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसी सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करना है mgbresult.com, पूरा क्या लिखना है mgbresult.com, कॉपी पर नोट कर लो, यही आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग mgbresult.com लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, अब इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और खोजना आपको लेटेस्ट अपडेट कहाँ लिखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ मिल रहा है नीचे, सरकारी योजना के नीचे लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे आप फर्स्ट को छोड़कर दूसरे नंबर को ध्यान दो, नाइन्थ क्लास सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपको इसी पर फाइनली क्लिक कर देना है और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन था यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, सो हो गया, 1 से लेकर 48 तक है ना, देख लो, हाँ पूरा 48 तक है। और एक का देखो पहला का सी होगा, दूसरा का डी, तीसरा का डी, चौथा का भी, पाँचवा छठा डी, सातवां भी, आठवां सी, नौवां डी, दसवां ए, ग्यारहवां भी, सबका आंसर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको वेट थोड़ा करना होगा 10 से 15 मिनट, ठीक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, विश्वास रखो, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अभी जब भी मैसेज जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फटाफट कॉपी पर नोट करिएगा, उसको एक दो बार में रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर परेशानी होती है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, ठीक है जी।